नमस्ते, शोभा देशमुख किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी ऐसी डिश लेके आई हूँ, उसका नाम है खजूर के रोल। ये रेसिपी का वीडियो आप आखिरी तक देखिए। तीन सौ ग्राम खजूर लिए हैं और ये मैंने इसको पानी नहीं लगाना, ज़्यादा अच्छे से पानी लगाए, ज़्यादा कचरा होगा तो अच्छे से जल्दी धो लेना और सुखा लेना और बाद में इसके बीज निकालना। सीडलेस भी खजूर मिलते हैं। सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसमें पानी मत इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा वॉश भी मत कीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको जब हम रेसिपी बनाते हैं तो बहुत देर लगती है। ये एक थोड़ा शॉर्टकट है इसलिए बताया। खजूर के रोल के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट, बादाम कट करके लिया मैंने 25 ग्राम, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम अखरोट, 25 ग्राम डिंक, गोंद भी कहते हैं इसको, क्रश करके इलायची ली और थोड़ा केसर लिया, फ्रेश है, और ये खसखस, और दो बड़े टेबलस्पून घी। घी की मात्रा इसको ज़्यादा नहीं लगती, कम लगती है। पैन हमारा गरम हुआ हल्का सा, एक खसखस मैं इसमें डाल रही हूँ। खसखस शुरू में ही डालना चाहिए कि खसखस बहुत जल्दी हो जाता है, और इसमें हमको घी वगैरह की ये पैन नहीं चाहिए, इसलिए हम शुरू में ही खसखस हल्का सा कर लेंगे, गरम कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करने का खसखस को, बहुत जल्दी हो जाता और गरम पैन पे तो बिल्कुल नहीं। हल्के से गरम पैन पे आप इसको रोस्ट कीजिए। रोस्ट के बगैर यूज़ भी मत कीजिए, रोस्ट करने के बाद ही इसका टेस्ट बढ़ता है। देखो मैंने हल्का सा किया अभी, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। हमने अच्छा सा रोस्ट करके लिया। दो चम्मच बड़े घी डाल रही हूँ, क्योंकि हमको गोंद फ्राई करना है, डिंक को फ्राई करना है, इसलिए घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लीजिए। ज़्यादा लेने से वो गोंद अच्छा फ्राई हो जाएगा, कम मत लीजिए। अब मैंने डिंक डाला है इसमें गरम घी में, लेकिन मैं इस टाइम पे गैस स्लो कर रही हूँ, क्योंकि जो गोंद है, डिंक है, ये हल्के हमको फ्राई करना है, क्योंकि कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। कच्चा रहेगा तो हमारे दांत के नीचे रोल में आएगा। आराम से कीजिए। इस आवाज़ आ रही है डिंग से, देखो तो इसका मॉइस्चर जो है वो सब निकलना चाहिए और एक क्रंची होना चाहिए। आराम से कीजिए, अभी भी आवाज़ आ रहा है, अभी भी हुआ नहीं। हाँ, अभी हो गया, ऐसा गुलाबी हो गया। अब मैं निकालती हूँ। ऐसा क्रंची गोंद हमने फ्राई किया। हमने गैस चालू किया, पैन में हमारा घी है, गोंद फ्राई किया था उसी पैन में हम ये घी में बादाम डाल रहे। पहले बादाम इसलिए डालते कि बादाम थोड़ा रोस्ट होने के लिए टाइम लगता है, हार्ड रहता है बादाम, इसलिए बादाम पहले वन बाय वन डालना पड़ता है। ज़्यादा नहीं करना, क्रंची करना, क्योंकि जब हम रोल खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए रोस्ट करना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा, इसमें हम काजू डाल रहे हैं और इसमें हम अखरोट डाल रहे हैं। अखरोट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी स्वीट बनाओगे तो उसमें अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्रेन के लिए अखरोट बहुत अच्छा रहता है। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ, ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम खजूर मिक्सी में से निकाल लेते हैं। इसको मैं मिक्सर में नहीं लगाऊंगी, इसको थोड़ा ही क्रंच करूंगी। बेलन से कीजिए आप, ऐसे ऐसे करके बेलन से कीजिए, नहीं तो कोई भी हार्ट होगा तो उसमें ऐसा हमको ज़्यादा बारीक नहीं करने का ये मिक्सर में ये रखते हैं। और एक खजूर हम मिक्सी में से निकाल लेते हैं। दिखाना आपको।
एक खजूर हम मिक्सी में हल्का सा घुमा लेंगे। मिक्सी से घुमाने से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए घुमाना पड़ता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी हो जाता। हमने एक खजूर मिक्सी से निकाला है, इससे क्या होता हमारी रेसिपी इजी हो जाती है। हमने अब गैस चालू किया है, एक चम्मच ही हम इस पर घी डाल रहे हैं। घी ज़्यादा नहीं लगता और इसमें हम हमारे खजूर डाल रहे हैं। मिक्सी में से निकाला वो खजूर हम इसमें डाल रहे हैं। खजूर में पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो आपका रोल क्रिस्पी नहीं बनेगा, नरम हो जाएगा, वो टेस्टी नहीं बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। और इसको मैं अब चलाती हूँ, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम गैस कम करेंगे। अब धीमी आंच पर मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, कितना ये आपको मैं बताती हूँ। खजूर हमने पैन पे रखा है, तब तक हम ये उधर भी चलाएंगे स्पैचुला, और इधर भी हम जो गोंद है वो गोंद हम मिक्सी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमको क्रंची चाहिए, बड़ा चाहिए, मिक्सी में बारीक हो जाएगा, ऐसा हम ये गोंद कर लेते हैं। ये भी हम मिक्सी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमको क्रंची बड़े बड़े ही चाहिए। मिक्सी में लगाएंगे तो बारीक हो जाएंगे, जब हम रोल खाते हैं तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं, इसलिए हम इसे बेलन से ऐसे ठोक के फुट के लेते हैं, क्रंची करके लेते हैं। ऐसा हमने इसको क्रश करके लिया, थोड़ा क्रश करके लीजिए। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरा गैस चालू नहीं है, गैस बंद है, इसलिए बंद किया कि सब मुझे मिक्स करना पड़ता है। मैं गैस के नीचे ही उतार लेती हूँ इसको, जो नए लोग हैं उनको करने के लिए इजी हो जाएगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो गैस के नीचे उतारते भी नहीं, ऊपर ही डाल देते। हमेशा मैं नए लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि उनको कैसे इजी रेसिपी बनाएगी वो। और ये देखो ये डिंग भी मैं इसमें डाल रही हूँ, सब हमने इसमें डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स और डिंग। इसमें मैं थोड़ा खसखस डाल रही हूँ और थोड़ा खसखस बचा के रखती हूँ रोल के लिए। और इसमें हम अब इलायची डालेंगे और एक केसर के दाने, इस केसर के धागे हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और एक इलायची भी। ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब हमको क्या करना है, सब मिक्स ही करना है। गैस मैं बाद में चलाऊंगी, तो हल्का सा गैस बंद कीजिए। गैस पर ये रखोगे तो सब आपका जल जाएगा। ये नीचे उतारने के बाद आप इसमें सब मिक्स करो। हमने इसमें डाल दिया है सब ड्राई फ्रूट्स और गोंद, लेकिन मिक्स करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो आप कोई भी ऐसा हार्ड आपके यहाँ का लीजिए और इसमें ऐसा मिक्स कीजिए, आराम से आपका बन जाता। ये नए लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ। देखो हमारा अब थोड़ा हल्का सा हम इस पर इसको अब गैस पर रखेंगे और इसका रोल बनाएंगे। अच्छे से हमने मिक्स किया, अभी हल्का सा हम इसको गर्म करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा ये रेडी हो गया है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स आपको कभी कभी खजूर में भी प्रॉब्लम आता, कभी सूखा खजूर आता, तो आप ड्राई फ्रूट्स कम डालिए, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप इसमें अंजीर डाल सकते हो, अंजीर भी डालोगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आती है इसकी। बस अब हमारी कढ़ाई ये छोड़ने लगा है, देखो अब हमारी कढ़ाई चिपक नहीं रहा, ये खजूर सब उस ड्राई फ्रूट्स को के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इस टाइम पे गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखो हमारा ये हल्का सा गर्म है, लेकिन हम इसको हाथ लगा सकते हैं। गर्म में हाथ मत लगाइए, चटके बैठते हैं, क्योंकि बहुत हीट रहती है। ये नए लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ। अब इसका रोल बड़ा हो जाएगा तो इसे मैं डिवाइड करती हूँ। ये भी देखना चाहिए कि हमारा कितना ये है और हम कैसे रोल बना सकते हैं, इसलिए वो आधा भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मेरा गरम है इसलिए मैं इसके नीचे खसखस डाल रही हूँ।
देखो हमारा खसखस सब सब तरफ अच्छे से लग रहा है। ये बाजू से रख देती हूँ। इसमें आप पिस्ते भी डाल सकते हो, पिस्ते भी बहुत बढ़िया अच्छे लगते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हो इसमें। और ये मिठाई मार्केट में बहुत महंगी आती है, आप घर पे बनाओगे तो बहुत ही सस्ती पड़ती है। खजूर और अंजीर की ड्राई फ्रूट्स की बर्फी मांगोगे और बाजार में देखोगे आप तो आपको बहुत, और बच्चों को तो हमको देना ही पड़ता है सबको घर के लोगों के लिए, तो आप आराम से घर पे बना सकते हो और बच्चों को देना सबको, जो घर में बुजुर्ग लोग हो या बड़े छोटे बड़े सबको अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी भी होती है। अब देखो हमारा रोल कितना अच्छा हो गया, इतना सब करते तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ये आप जब रेसिपी करोगे आपको प्रैक्टिस रहेगी तभी आपके समझ में आएगा, तभी, क्योंकि हमारे जो बर्फी है वो भी अच्छी सी आनी चाहिए, उसके भी अच्छा सा पड़ना चाहिए, उसके भी स्लाइस अच्छे से दिखने चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे पिस्ते भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया दिखती है। और ये मैं अब इसका रोल बना लेती हूँ। तो हमने ऐसा रोल तैयार किया। अब ये मैं फ्रिज में आधा घंटा रखती हूँ तो फ्रिज में अच्छा से सेट हो जाता है ये। अब हमने रोल तो बना लिया है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो जाता कि रोल कैसा बनाएंगे, नई लड़कियाँ होगी बनाने के लिए, नए लोग होंगे, तो ये आराम से इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीचे हमने खसखस डाल दिया है, जितना हमारा होगा उतना आधा ही करेंगे हम, क्योंकि हम पतला नहीं करेंगे ज़्यादा। इसके ऊपर भी मैं खसखस डाल लेती हूँ और इसको शेप देती हूँ। देखो हमने बर्फी के लिए भी उसको अच्छे से सेट कर दिया है। ऐसा कोई भी डिश लीजिए, कोई भी आपके यहाँ जो होगा वो इस्तेमाल कीजिए। और इससे इस पर हम थोड़ा बर्फ लगा रहे हैं। वाओ, देखो हमारी बर्फी कितनी बढ़िया लग रही है। ऐसे आप बर्फी भी बना सकते हो। अब इसको सेट करने के लिए मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ और बाद में स्लाइस करती हूँ। अब इसके हम स्लाइस निकालेंगे, कट करेंगे। अच्छी सी छुरी लीजिए आप और इससे अच्छे से अच्छा सा कट दीजिए। देखो हमारे रोल ऐसे बनते हैं। ये मैं अब कटिंग करके लेती हूँ। देखो हमारा रोल कितने अच्छे हो गए। अब इसका कटिंग हो गया। अब मैं जो बर्फी हमने फ्रिज में रखी थी वो सेट हो गई, उसको मैं निकाल लेती हूँ। बटर पेपर से क्या होता इजी हो जाता काम। इसका मैं अब कटिंग करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आकार दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इजी हो जाता, क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी हमने थोड़े क्रश करके लिए हैं, इसलिए शेप में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। देखो हमारी बर्फी भी कितनी अच्छी बन गई है। खजूर के रोल आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि खजूर में विटामिन ए रहता, के रहता, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और डाइजेशन सिस्टम हो वो भी आपका कवर करता है। और डायबिटीज़ लोगों ने तो ज़रूर खाना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। ये मेरे खजूर के रोल आप घर पे ज़रूर बनाइए, आपके घर के लोगों को बहुत पसंद आएंगे और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। मेरी रेसिपी को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी जल्दी रेसिपी मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।